बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम मैक्सवेल इक्वेशंस पढ़ेंगे और मैक्सवेल इक्वेशंस की आगे क्या फिजिकल इंटरप्रिटेशन है वो हम देखेंगे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये बड़े इंटरेस्टिंग इक्वेशंस हैं, इनकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं और बेसिकली ये इक्वेशंस डिपेंड करती हैं, ये ड्राइव्ड हैं फ्राम डिफरेंट फिजिकल फिनोमिनास लाइक फैराडेज लॉ, एम्पेयर्स लॉ, गॉसेस लॉ एट्सेट्रा। तो उसमें जो सबसे पहली मैक्सवेल इक्वेशन है दैट इज डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस पार्शियल डी बाई पार्शियल टी। अब इक्वेशन नंबर वन, ये वेक्टर क्वांटिटीज है, और दूसरी है डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बी बाई पार्शियल टी। इक्वेशन नंबर टू एंड द थर्ड वन इज डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इक्वेशन नंबर थ्री and del dot b is equal to c. तो ये चार बेसिकली इक्वेशंस हैं जिनको हम मैक्सवेल इक्वेशंस कहते हैं, और इन चारों की डिफरेंट फिजिकल इंटरप्रिटेशन है और ये चारों मुख्तलफ फिनोमिना से ड्राइव्ड। तो हम सबसे पहले इक्वेशन नंबर वन को देखते हैं। दिस इज बेसिकली द जनरलाइजेशन फॉर्म ऑफ द एम्पेयर्स लॉ। और ये इक्वेशन नंबर टू है, दिस इज बेसिकली द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। And the third one is basically the Gauss's law, derived from the Coulomb's law. And the fourth one, del dot b is equal to zero. आपको पता होगा कि जब हमने लॉ ऑफ पॉयर्ट एंड सेवरेट पढ़ा था और उसकी हमने एप्लीकेशन पढ़ी थी हेल्महोल्ट्ज़ स्क्वायर, और हेल्महोल्ट्ज़ स्क्वायर में हमने ये चीज ड्राइव की थी del dot b is equal to zero, और उसकी हमने क्या इंटरप्रिटेशन की थी कि अगर डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो है, यानी डाइवर्जेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक इंडक्शन इज इक्वल टू जीरो मींस नो मोनोपोल एग्जिस्ट, यानी मैग्नेट के आप जितने भी पीसेस कर उसके अंदर मोनोपोल यानी नॉर्थ सेपरेट एग्जिस्ट नहीं कर सकता और साउथ भी सेपरेट एग्जिस्ट नहीं कर सकता।
Clapley sends the fact that single magnetic poles have never been observed. यानी इसका क्या मतलब है कि सिंगल मैग्नेटिक पोल हैव नेवर बीन ऑब्जर्व्ड, कभी नॉर्थ अलग नहीं हो सकता साउथ से। जब भी आप पीसेस में मैग्नेट को पीसेस में लेके जाएंगे तो हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल दोनों। अब हम इसको जरा देखते हैं कि चारों मैक्सवेल इक्वेशंस की फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। इसमें सबसे पहले जो हमने देखा कि डेल क्रॉस एच इज ब्लू जे प्लस पार्शियल डी बाई पार्शियल डी, एच इसमें क्या है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है और जे करंट डेंसिटी है, डी इसमें क्या है डिस्प्लेसमेंट करंट है। अब देखिए कि अगर आप रोटेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को और आपके पास क्या आ जाता है करंट डेंसिटी प्लस टाइम डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट। यानी रोटेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड गिव्स यू द करंट डेंसिटी एंड रोटेशन एंड चेंज इन द टाइम चेंज इन द करंट डिस्प्लेसमेंट। यानी मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से इंटेंसिटी को रोटेट करने से उसके कर्ल से डेल क्रॉस एच का मतलब बेसिकली क्या है कर्ल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। रोटेशन से आपको करंट मिला करंट डेंसिटी करंट मिला है और प्लस टाइम डेरिवेटिव ऑफ द करंट डिस्प्लेसमेंट। ऑन द अदर हैंड अगर आप यू थिंक करेंगे कि ये राइट हैंड साइड को देखिए करंट प्लस वेरिएशन किसमें है पार्शियल डी बाई पार्शियल डी डिस्प्लेसमेंट करंट के अंदर आप चेंज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर इसके अंदर आप चेंज करते हैं आपको डेरिवेटिव का पता ही है कि इंटीग्रेशन होती है किसी को सम करना एक जगह इकट्ठे करना, जबकि डेरिवेटिव का मतलब है डिस्पर्स करना उसको फैलाना वन डायमेंशन में टू डायमेंशन में थ्री डायमेंशन में उसको मुख्तलिफ डायरेक्शंस में मूव करना ये डेरिवेटिव कहलाता है। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट वेरी हो रहा है चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर डिस्प्लेसमेंट करंट चेंज करें तो आपको दूसरी साइड पे क्या मिल जाती है चेंज इन या वेरिएशन इन या रोटेशन इन द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो करंट से आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है मैग्नेटिक फील्ड से करंट मिल रहा है। तो दिस इज द बेसिकली जनरलाइजेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन विच इज द एम्पीयर थ्योरम। ओके ये समझ आई आपको। दूसरी मैक्सवेल इक्वेशन है डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बी बाई पार्शियल टी। तो ये भी एक डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की रोटेशन उधर क्या थी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की रोटेशन, यहां पे रोटेशन किसकी है इलेक्ट्रिक फील्ड की यानी कर्ल ऑफ ई रोटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड की आप रोटेशन कर रहे हैं तो आपके पास क्या आ जा रहा है टाइम डेरिवेटिव ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पार्शियल बी बाई पार्शियल टी। और ये नेगेटिव साइन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की रिप्रेजेंटेशन। तो रोटेशन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स यू द मैग्नेटिक फील्ड। और यूं सोचें कि मैग्नेटिक फील्ड का टाइम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है। यानी करंट इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है। दिस इज बेसिकली द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं और मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। जिसकी एक एग्जाम्पल एक कॉन्सिक्वेंस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस है और मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस है और दोनों के अंदर चेंज हो रही है
इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी चेंज है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी चेंज है, तो दोनों की चेंज एक तीसरा फील्ड प्रोड्यूस करती है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, वो अलोंग जी एक्सिस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो जब जो उसकी प्रोपगेशन है वो अलोंग जी एक्सिस होगी, यानी दोनों के एक्सिस के अपोजिट वो थर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव करेगी जो हमें नजर आ रही है। जो लाइट है, लाइट का निकल मूव करना बेसिकली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यानी कोई भी लाइट का फोटॉन, जब हम फोटॉन की बात करते हैं तो वो पार्टिकल नेचर होती है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं तो वो वेव नेचर है। यानी लाइट जो है ना ड्यूअल नेचर में जिस तरह एग्जिस्ट करती है, तो उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोपोगेट करते हैं, दोनों चेंज होते हैं एक्स और वाई एक्सिस में, और जो वेव प्रोपोगेट होती है वो थर्ड डायरेक्शन में। तीसरी है डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो। रो क्या है? चार्ज डेंसिटी है। कौन सी? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। और डी क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट है। यानी अगर आप ये क्या है बेसिकली गॉसेस लॉ, किससे निकला है? कूलम्स लॉ से, चैप्टर टू हमारा डाइवर्जेंस ऑफ द करंट डिस्प्लेसमेंट करंट विल गिव यू द चार्ज। डाइवर्जेंस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट विल गिव यू द चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और तीसरी है, चौथी है, फोर्थ वन इज द डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। और इसकी इंटरप्रिटेशन हमने पढ़ी है कि जहां भी डेरिवेटिव डाइवर्जेंस आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का बी का इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये है कि नो मोनोपोल एग्जिस्ट फिजिक्स एवरीवेयर। तो ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन था मैक्सवेल इक्वेशंस का, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, इनका फिजिक्स के अंदर, इनका वर्ल्ड के अंदर, बल्कि पूरी साइंस के अंदर बड़ा रोल है, जो मुख्तलिफ फिनोमिना में यूज होती हैं, मुख्तलिफ आर्टिकल्स में, मुख्तलिफ फील्ड्स में इनकी एप्लीकेशन है मैक्सवेल इक्वेशंस। यहां तक अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर हो गए? फर्दर अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।